डू एन एग्जाम्पल ऑफ वन एन एफ मीन अब हम अब हम लोग बेसिकली एक रिपोर्ट को पिक करेंगे और हम रिपोर्ट को पिक करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले उस रिपोर्ट को कन्वर्ट करेंगे इन टू वन एन एफ अच्छा अब यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है और बहुत पर्टिनेंट है कि जितने भी नॉर्मलाइजेशन के रूल्स हैं ये सिक्वेंशियल है मीन यू कैन नॉट जंप टू टू एन एफ बिफोर डूइंग वन एन एफ जम्प टू थ्री एन एफ बिफोर डूंग टू एन एफ तो ये सारी सीक्वेंस में है, या यू कह लें कि ये एक दूसरे के प्री रेक्ट है आपके पास एक रिपोर्ट हो जो कि जीरो एन एफ है या अना तो से यानी रिपोर्ट से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड मूविंग फॉरवर्ड हम जो जो प्री रेक्ट हैं उनको हम लोग कंटिन्यू किया करेंगे मतलब जब हम लोग टू एन एफ में जाएंगे तो हम रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो ये है. That, जो आप स्क्रीन के आपको एक रिपोर्ट नजर आ रही है सेम रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी अब मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ये कोशिश करता हूं इन टू वन एन एफ प्रोपेक्टिव ये है या नहीं है तो वन एन एफ का बेसिक रूल ये था कि देर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप अब रिपोर्ट आपके सामने है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिपोर्ट से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिपीटिंग ग्रुप कौन से हैं तो रिपीटिंग ग्रुप है सबसे पहले ये देखें कि मैं ग्रुप किसको बोल रहा हूँ ग्रुप मैं बेसिकली बोल रहा हूं एक एक सेक्शन को यानी एक स्टूडेंट एक ग्रुप है ये कोर्स एक ग्रुप है एंड एंडस्टर इज द थर्ड ग्रुप तो बेसिकली हमारे पास यहां पे तीन ग्रुप है या तीन कैटेगरीज कह लें अब रिपीटिंग ग्रुप और नॉन रिपीटिंग ग्रुप के दरमियान आपको फर्क समझना है एंड देन द केस इज वेरी इजी नॉन रिपीटिंग ग्रुप ये होता है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर रिपोर्ट में आपके पास सिर्फ डेटा की एक ही रो मौजूद हो लाइक like, जो स्टूडेंट है उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है वो एक रो में मौजूद है मतलब एस आई डी वन एस नेम अली एड्रेस ट्वेल्व के टोटल कोर्सेस रजिस्टर फोर एंड स्टेटस फुल टाइम या पार्ट टाइम तो ये बेसिकली नॉन रिपीटिंग ग्रुप है ऐसा ग्रुप जिसके अंदर रिपोर्ट में आपके पास सिर्फ एक रो हो डेटा की वो होता है नॉन रिपीटिंग ग्रुप और ऐसा ग्रुप जिसके अंदर मल्टीपल रोज मौजूद हो लाइकवाइज जो कोर्स का टेबल है इसके अंदर देखें हमारे पास तीन रोज मौजूद है और जो सेमिस्टर का टेबल है इसके अंदर हमारे पास दो रोज मौजूद है तो जो स्टूडेंट का ग्रुप है वो नॉन रिपीटिंग ग्रुप है और जो कोर्स और सेमिस्टर का ग्रुप है वो रिपीटिंग ग्रुप है तो ये बेसिकली बाय डेफिनेशन डेफिनेशन रिपीटिंग रिपीटिंग ग्रुप ग्रुप एंड नॉन की है अब जब हम इस यह रिपोर्ट को कन्वर्ट करने हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे इन टू वन एन एफ तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने हर ग्रुप को नॉन रिपीटिंग बनाना है मतलब देर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप ये बेसिकली वन एन एफ की डेफिनेशन है तो इसको अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि यू हैव टू मार्क योर प्राइमरी कीज मतलब स्टूडेंट के टेबल में एसआईडी को प्राइमरी की मार्क करेंगे कोर्स के टेबल में सीआईडी को प्राइमरी की मार्क करेंगे और सेमिस्टर के टेबल में सेम आईडी या एसईएम आईडी को हम लोग प्राइमरी की मार्क करेंगे दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट द लास्ट कंपोनेंट कि अब आपने फॉरेन कीज को मार्क करना है 1 एन एफ के अंदर या रिपोर्ट से 1 एन एफ में कन्वर्जन की तरफ जो रूल है वो ये है कि आपने नॉन रिपीटिंग ग्रुप ग्रुप जो कि पहला है स्टूडेंट ग्रुप उसकी जो प्राइमरी की है उसको आपने हर या हर में लिख देना है. Mean, आपने की को करना है, उसको टेबल में लिखना है तो वन एन एफ इज अचीव अगेन फर्स्ट नॉन रिपीटिंग ग्रुप की आपने प्राइमरी की को पिक करना है और उसको आपने एज अ फॉरन की लिख देना है हर आने वाले ग्रुप के साथ यानी जो जो पहले ग्रुप के बाद जितने भी ग्रुप्स हमारे पास हैं हमारे केस में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं एक कोर्स का एक सेमेस्टर का तो आपने स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को पिक करना है और इसको आपने लिख देना है एज अ फॉरन की अलॉन्ग विद अदर ग्रुप्स अब अदर ग्रुप्स आपके रिपीटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं नॉन रिपीटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो कोर्स है उसमें सिर्फ एक रो मौजूद हो और जो सेमेस्टर का टेबल है उसमें दो रोज मौजूद हो तो इट डजेंट मैटर जो पहला ग्रुप है स्टूडेंट इट हैज टू बी नॉन रिपीटिंग ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर मल्टीपल रोज मौजूद हो अगर स्टूडेंट टेबल में मल्टीपल रोज मौजूद हैं तो आपका क्वेश्चन ही गलत है इट मीन कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मैं रिपोर्ट के अंदर जो पहला ग्रुप है उसमें दो रोज को लिख देता हूं मतलब मैं लिखता हूं स्टूडेंट आई डी बाकी डेटा स्टूडेंट आई डी और बाकी डेटा यू विल जस्ट राइट द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट रीजन फर्स्ट ग्रुप कैन नॉट बी अ रिपीटिंग ग्रुप पहला ग्रुप आपका नॉन रिपीटिंग ग्रुप होगा तो हमारे केस में स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो नॉन रिपीटिंग है तो आपने स्टूडेंट ग्रुप की प्राइमिकी पकड़नी है और आपने हर ग्रुप के साथ लिख देनी है अब जो बाकी ग्रुप है वो रिपीटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं नॉन रिपीटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं डजोंट मैटर रूल ऑफ अर्थ हम एज के फर्स्ट ग्रुप जो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग ग्रुप है यानी जो पहला ग्रुप है इट हैजू बॉन रिपीटिंग ग्रुप उसकी प्राइमिकी को एज अ फॉरन की आपने बाकी तमाम टेबल्स के साथ लिख देना है नाउ लुक एट योर स्क्रीन अब मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको एक आंसर दिया है नाउ दिस इज वन एन एफ ऑफ द रिपोर्ट तीन टेबल मैंने लिख दिए स्टूडेंट कोर्स और सेमेस्टर स्टूडेंट टेबल के मैंने एट्रीब्यूट लिख दिए एस आई डी एस नेम टोटलो रजिस्टर्ड कोर्सेज एंड स्टेटस और एस आई डी को मैंने प्राइमरी की मार्क कर दिया यहां से भी यह देख लें रिपोर्ट के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं थी वो सिर्फ डेटा था सिर्फ एट्रीब्यूट के नाम लिखे हुए थे मैंने एट्रीब्यूट को कन्वर्ट कर दिया है इनटू प्राइमरी की जो कोर्स का टेबल है मैंने कोर्स के टेबल के एट्रीब्यूट लिखे सी आई डी सी एन एम एंड क्रेडिटावर और एस आई डी जो कि स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की थी उसको एज अ फॉरन की यहाँ पर लिख दिया एंड आई हैलाइन इट मीन ये अब फॉरन की भी है और कॉम्पोज प्राइमरी का पार्ट भी है नाउ द लास्ट वन सेमेस्टर टेबल के अंदर एस आई डी यानी स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की सेमिस्टर आई डी इसकी अपनी आई डी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट रिमूवल ऑफ रिपीटिंग ग्रुप तो अब हमने अपने टेबल्स को स्प्रिड भी कर दिया और टेबल के अंदर हमने प्राइमरी कीज और फॉरन कीज को मार्क भी कर दिया और अब बेसिकली ये वन एन एफ में ये रिलेशन मौजूद है मतलब देर इज नो रिपीटिंग ग्रुप इन द रिलेशन रीजन हमने प्राइमरी कीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया है और हमने फॉरन कीज को भी आइडेंटिफाई कर लिया है